दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले रिपेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल है और उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जैसे कि ये है रेडमी का K20 और K20 प्रो है और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आता है। अगर आप जानते होंगे इसमें पॉपअप कैमरा आता है, मैं अगर इसमें कैमरा ओपन करूं और फ्रंट कैमरा ओपन करूं, ये देखिए इसका जो है पॉपअप कैमरा निकल रहा है, दिख रहा है, और ये जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें आता है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, टच जो है ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऑटोमेटिक कभी कभार जो है अच्छा चलता है और कभी कभार जो है ऑटोमेटिक चलता है। जैसे कि ऐसे रख दो तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे कोई भी ऑप्शन प्रेस हो जा रहा है। तो अगर आपका सुपर एमोलेड डिस्प्ले में कोई भी कंपनी का A to Z सुपर एमोलेड डिस्प्ले में ऑटोमेटिक टच काम कर रहा है, या तो आपका डिस्प्ले कहीं पे गिरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, डिस्प्ले जो है ब्लैंक हो गया, एकदम ब्लैक कॉल आ रहा है जा रहा है लेकिन आप जो है रिसीव नहीं कर पा रहे हो, या तो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक है, या तो इसमें जो है लाइनिंग प्रॉब्लम आ जाता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जितना भी कॉस्टली डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले लाइनिंग आ जाता है, या तो आपका जो अभी रिसेंटली Reno 6 Reno 5 Reno 4 इसमें जो कर्व डिस्प्ले आता है और उसमें जो है पैनल अगर फट जाता है, मतलब उसमें भी लाइनिंग प्रॉब्लम आता है, या तो आपका टच ग्लास जो है फट जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम का सलूशन जो है हमारे पास आ चुका है और इसका सलूशन भी हो जाएगा। इसका ज्यादा पैसा नहीं, इसका जो है 2000 रुपया के जैसा खर्चा होगा K20 प्रो में, अगर टच जो है इधर उधर की काम कर रहा है। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है जिसमें की लाइनिंग का प्रॉब्लम है, कॉस्टली मोबाइल जिसमें की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है, उसमें अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका डिस्प्ले जो है ब्लैंक हो चुका है, या तो ऑटोमेटिक टच काम कर रहा है, काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो आप कम से कम पैसा में हमारे पास से ठीक करा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में कहीं पे भी दे दूंगा, वीडियो में आखिर तक बना रहो, मैं बताऊंगा कौन सा में कितना पैसा खर्चा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना, हो सकेगा तो इंस्टाग्राम में फेसबुक में भी शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले और एक बात मैं बताऊंगा, मेरा एक छोटा सा दूसरा चैनल है फ्री मोबाइल टेक के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उस चैनल का, उसको भी जाके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, उसमें भी अच्छा अच्छा वीडियो आता है, उसमें भी आपको जो है उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है रेडमी का K20 प्रो है और इसमें जो है वही प्रॉब्लम है, देख सकते हो दोस्तों, ऑटोमेटिक जो है टच काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं और ऑटोमेटिक जो है काम कर रहा है, देखिए ऑटोमेटिक जो है इधर उधर हो रहा है, आप लोग को अगर दिख रहा है, देखिए इधर उधर हो रहा है, और मैं इसको कितना भी क्या करूं ऑटोमेटिकली भाग जा रहा है, देखिए ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऑटोमेटिक हिल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा मोबाइल है जिसमें कि टच जो है ऑटोमेटिक काम कर रहा है, या तो आपका मतलब ऐसा भी हो रहा है कि ब्लैंक हो गया डिस्प्ले, तो देखिए ये जो ऑटोमेटिक टच करने वाला काम है इसमें जो है 2000 रुपये का जैसा खर्चा होता है। और अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम आता है कि ब्लैंक हो जाता है डिस्प्ले, वो 3000, 3500, 4000, 5000, वो डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल कितना कॉस्टली है और कितना डिस्प्ले का कॉस्ट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है, लाइनिंग का प्रॉब्लम है, ये लाइनिंग जो आता है ना, एक एक लाइनिंग, तो अगर लाइनिंग का भी प्रॉब्लम है तो सब प्रॉब्लम ठीक किया जाता है इधर सुपर एमोलेड डिस्प्ले में, जो कॉस्टली डिस्प्ले होता है सुपर एमोलेड OLED डिस्प्ले में, उसमें किया जाता है। आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कॉन्टैक्ट करने से मैं बता दूंगा कि आपका डिस्प्ले में कितना पैसा खर्चा होगा, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा कंपनी का है, सैमसंग का है, वन प्लस का है, या तो रेडमी का है, ओप्पो का है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्राइस आता है। तो आप लोग वो मोबाइल भी आराम से बिना डिस्प्ले चेंज किए ओरिजिनल डिस्प्ले रख के आप अपना मोबाइल को ठीक करा सकते हो कम से कम प्राइस में। तो यही था आज का वीडियो में आप लोग को बताना था। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।